घंटे आज क्यों में मंगाई हम कल जा रहे हैं आम, एक क्लासिक स्काई ब्लॉक प्लस गाइज जो गई मेरी एक सीरीज़ चल रही थी जिसका नाम था स्काई क्यूब मैं बहुत बड़ा हादसा हो गया है वो अपने आप करप्ट हो गई वर्ल्ड और अब वो सीरीज नहीं रही गई उसके लिए अगर मैं दो स्ट्रीम और एक एपिसोड भी हुआ था लेकिन उसमें मैंने कहा कैसे भी बना दिया था अपना ऑफलाइन लेकिन पता नहीं गई वो वेब मतलब अपने आप जो है करप्ट हो गई जिसमें से अगर हम नहीं खेल पा लेकिन गई कोई टेंशन वाली बात नहीं है हम करने जा रहे हैं क्लासिक स्काई ब्लॉक प्लस और ये आपको एम सी पी ई डी एल की वेबसाइट पर ईजीली मिल जाएगा और यहाँ पे मधुमक्खी भी है मेरे साथ हेलो ये ये कहते मेरी फर्स्ट फ्रेंड है यहाँ की खैर अभी तो कहिए क्लासिक्स कैब्लॉक प्लस है और यहाँ पे एक आइलैंड नहीं बहुत सारे आइलैंड है पता नहीं अभी नज़र क्यों नहीं आ रहे और शेडर्स भाई बहुत ही ओपी लगे हुए हैं उनको तो गए ज़रा देखते हैं ऊपर से नीचे नहीं गिरना मुझे क्या पता क्या इसके पीछे होंगे खैर अभी तो गए चेक आउट ओ दो दो है हमारी हनी भी ओके खैर लट्स चेकअ चेस्ट इसमें आर्बर है ओके नॉट बैड और लावा से यार मेरे ये ना मर जाए पेट्स ये ये ओके इन सब के बारे में तो मुझे पता है लेकिन इस आर्मर को मैं पहनूँ ये ना पहनूँ अभी पहन लेते हैं क्योंकि गई आर्मर की घर जैसे आपको पता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ठीक है एंड जो मैं बनाना जा रहा हूँ वो मैं सोच रहा हूँ तुलसी थोड़ा सा दूर इधर को बनाते हैं ऐसे नहीं इधर तो फ्लावर है इसका खाना इस खाने को हम तोड़ के जो है ना इधर लगा देते हैं ताकि हमारी मधुमक्खी तो इधर आ जाए खाना खाने ठीक है एक इधर भी लगाए थे ठीक है ओके सो मैं बनाने जा रहा हूँ अपना कम्लोशर ब लाइक दिस इधर होगा हमारा वाटर एंड थ्री डॉट के ब्लॉक और ये शेडर तो बड़ी वो है जैसे हॉट हॉट फीलिंग होती है ना वैसे हैं वाले शेडर्स खैर अपने क्या जा रहा है अपने को तो नहीं है अभी इधर आइस वाटर और लावा मैंने नीचे क्यों नहीं निकाला गया जो हमारा लावा एंड अगर हम इसको तोड़ेंगे तो लावा हमारी डेढ़ जल जाएगी लेकिन ये क्या मजा के भाई बुझ कौन लगा रहे हैं ओके अभी गया मुझे जो है माइन माइनिंग करनी पड़ेगी वुड की थोड़ी सी ओके ये बनाया है मैं आपको पहले बता देता हूँ ये बनाया है क्या नाम है मिस्टर ग्रीन बैग बिगिन बाय मेकिंग ट्रैवल टू द डिजर्व आइलैंड अचीवमेंट्स आर इनेबल्ड ओके मतलब इसमें अचीवमेंट्स भी हैं फॉलो मिस्टर ग्रीम और डोटो के इनको फॉलो ज़रूर कर दिया गुड लक ओके जो हमें अच्छे अच्छे मैप्स बना के देते हैं इनको कहें जरूर जरूर से सपोर्ट किया क्या गाइज अब एंड यह वी हो गाइज मैं भी अपने ये वो तोड़ लेता हूँ मैं मुझे कहते हैं चेस्ट पर बीच से हटा के थोड़ा सा साइड में करके रखना पड़ेगा बड़ा गई अच्छा तो रखते हैं उसमें बहुत सारे वो है। I mean, say, हैं आई मीन टू से क्या कहते हैं उन्होंने बी का छत्ता टूट जाएगा गाइस बी का छत्ता का तो मैं बिल्कुल नहीं टूटने दूंगा इसलिए हम इधर लगाएंगे नहीं आई थिंक मैंक ऑफ में ग्रेविटी नाम की चीज़ तो होती ही नहीं है तो मतलब नहीं टूटेंगे ओके और गायज मेरी नई स्किन आपको कैसी लग रही है आपको अपने पूरा आर्म आर टाकर दिखाता हूँ ये मैंने पूमा और इसकी कॉलेब्रेशन हुई थी ना वहाँ से उठाई है मैंने कोई ज़्यादा अच्छी अच्छी स्किन है बुरा नहीं कहूँगा मैं दो कंफर्टेबल बना लिए अभी बेवड़े अब गायज हक दिया यार मैंने कोई बात नहीं गई एक को आपन जो है ना अपनी चेस्ट में रख देते हैं क्योंकि कभी भी काम नहीं आ है चेस्ट भी गया अपन तो साइड में रखे रख देते हैं बीच में जो है ना आने जाने का रास्ता होता है इसको इधर रखेंगे इसके अंदर जाइए ये क्राफ्टिंग टेबल और ये स्टेक्स नहीं जब मुझे क्राफ्टिंग करनी है ना ये और इसको फेंक दो अंदर एंड क्राफ्टिंग टेबल और अभी मुझे क्राफ्ट करना है एक सबसे पहले तो एक पिक्स बाकी से जो है पहले तो गई मैं जो हूँ मुझे थोड़ी सी मतलब स्टोन्स चाहिए ताकि कल मैं और बाकी का काम कर सकूँ And here we go ओपी बहुत ही ओपी और भी ज़्यादा ओपी मुझे मुझे समझो सिक्स चाहिए अभी सिक्स थोड़ा सा काम तो हम सिक्स से करें ना जब तक एंड ये वी गो मुझे क्राफ्ट करनी सबसे तो पहले कुछ स्लैब्स और एक पिकैक्स स्लैब्स वगैरह जिनको नहीं पता हमें हमेशा जो है ना इसके ऊपर ये लगा देनी चाहिए तो इससे क्या होता है हमारा जो ये है ना क्या नाम मैं कौन से और अच्छी एफिशेंटिव वर्क करता है क्यों भाई वाले शेडर्स बड़े अच्छे हैं लेकिन इससे थोड़ी सी मतलब हॉट हॉट सी फीलिंग आ रही है बुरे नहीं शेडर्स मैं बुरा नहीं कह रहा बट आर थोड़े से जो मैं शेडर्स यूज करता हूँ ना उससे थोड़े से अच्छे भी नहीं है उससे थोड़े से बुरे भी नहीं है इक्वल सेम टू सेम रो एक जैसे है बिल्कुल शेडर्स बस थोड़ा सा फ़र्क है और दोनों के दोनों मुझे अच्छे लग रहे हैं शेडर्स आप बताओ गई अगर ए शेडर्स ए जो है हमारा पुराने वाले शेडर या इन वाले से खेलूँगा इस कमेंट में जरूर बताना एंड ये वी को सिक्स स्टोन्स सेवन स्टोन्स एट स्टोन्स नाइन स्टोन्स एंड यह भी हो गए जब टेन स्टोन्स एंड लेट्स गो टू क्राफ्ट समथिंग स्पेशल मतलब जैसे कि अभी मैं एक फंडस बनाता हूँ और स्टिक बनाने के बाद मुझे बनानी एक स्वॉर्ड ताकि रात में गैस मॉब वो वगैरह स्पॉन हो ना तो हम उन धचिया खड़ी करके उनको वापस भेज दें उनसे क्या निकल पाई दी फुरसत में निकल कोई ज़रूरत नहीं है हमें दे दी ये क्या क्या हम उसको भगा दें और फर्नेस मैं सोच रहा हूँ उस फर्नेस को अपन जो ही इधर रख देते हैं ना नहीं फिर मैं वहाँ से क्राफ्टिंग टेबल कैसे खोलूँगा नहीं खोल लेंगे गैस टेंशन वाली बात तो है नहीं और अभी तो गैस मैं सोचता हूँ पहले जो है ना अपन थोड़ी से सीड इकट्ठा करते हैं क्योंकि उसको नहीं पता हमें जो है मतलब थोड़ी से फूड की भी ज़रूरत पड़ने वाली है प्लीज़ सीड प्लीज़ सीड ड्रॉप कर दो कोई मुझे ओके एक सीड हो मिला गया बहुत ही मेहनत तो तो में मुश्कत के बाद दो सीड मिल मतलब इस बस था पर अभी इस एपिसोड में अपन थोड़ी सी फार्मिंग वार्मिंग भी शुरू कर ही देते हैं नहीं मिले और सीरीज तो थोड़े से कैसे तो अपन और निकालते हैं ये दो चाहिए मुझे तो वैसे बस ओके गो और क्योंकि आपको अगर पता होगा तो कब समय ताकि कैसे मैं खाने की जो है ना फ़िक्र ना पड़े बार बार जो है ना हो के लिए स्टिक्स चाहिए मुझे गैस मुझे कमर में तो उसको हो पड़ता है या होए ठीक है अगर हो पड़ते हैं तो मतलब ओके तो मेरे को हो क्यों नहीं रहा हो करेगा हो से ना होगा <laughs> ओके गैस अभी मैं जो अभी मुझे जो है अपने दरख्त और काट लेना चाहिए लेकिन मैं इस वाले को नहीं तोड़ूंगा क्योंकि तो ये यहाँ पे बीस का घर है इसलिए कम बीस है घर को कुछ भी नहीं होने देंगे बाद में कभी कमे पास जब सील लिखा चाहेगा जब हम जब आप इसको तोड़ के कहीं और लगा देंगे ये हमारे कई पेट है यार गए पेट हमारे बीस में आज से एंड वी गो मैंने कितने ट्रीज फोर ट्रीज गए मैंने और माइंड कर लिए हैं लेकिन मैं सैप्लिंग भी तो एक बिन ओह अच्छा सही से तोड़ रहा था मुझे लगा कि मैं वो छत्ता तोड़ने वाला छत्ता नहीं तोड़ना मांगा बिल्कुल भी शायद टमाक रहा है लेकिन मगर मैंने शहत को कलेक्ट किया मुझे फिर जिंदा नहीं छोड़ेंगी मक्खियाँ मेरे पेट्स मुझ पर हानि हानिकारक हमला करेंगे ओके एट आ चुकी हैं और भी हैं ऊपर लेकिन अभी मुझे सारी की सारी माइन थोड़ी ना करनी एंड मैंने मुझे क्या थोड़े से और स्टोन की माइनिंग करनी पड़ेगी अभी ताकि मैं कहते एक्सपी बना सकूँ अपने लिए कुल्हाड़ा अरे मिला कि नहीं यार दिमाग की दही ओके गाइस आई थिंक ये किस पर भी पड़ा हुआ है हाँ, नीचे चाहिए ना ओके गाइस लेट्स गो टू क्राफ्ट एन एक्स एक्स के लिए स्टिक्स चाहिए कोई टेस्ट वाली बात नहीं है आप बना लेंगे एक्स के लिए स्टिक्स एंड वी हैव गुड टूल्स ओके एक रूम को वापस रख दो स्टिक्स को रख दो मोर टूल्स पता नहीं मुझे किस बात की कुछ मिला है टाइम टू फॉ अच्छा अचीवमेंट्स ही आई थिंक है ना अच्छा हाँ उसने कहा था अचीवमेंट्स आर इनेबल्ड सो यानी ये अचीवमेंट्स है ओके अभी तो गए मैं छोड़ू के थोड़ा सा कहता आईलैंड को जो है ना थोड़ा सा बिल्कुल ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा तो थो गए एक्सटेंड बनता है ना यार एंड नाइस ओके से ड्रॉप होना शुरू हो चुकी है इधर उगा हुआ था इस लाइन में तो अपन अभी इधर टपक रहा था इधर था ना ओके एक इधर रुक चुका है और एक हम लगा देते हैं इधर ताकि गाइस हमें वोट किया कभी भी कमी ना पड़े ठीक है और इसके नीचे आई डोंट थिंक कि माइनिंग की जगह होगी बस सी गई मुझे बहुत ज़्यादा ही सावधानी से जो मुझे काम लेना ना पड़ेगा गाइस अभी तो मेरी लाश खुद जाती लेकिन मुझे यहाँ पे स्टोन्स मिल चुके हैं बहुत ही बढ़िया बिल्कुल देखभाल के अभियान वैसे क्या स्टोन जनरेटर है स्टोन जनरेटर ओ नो 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 ओ नो ओ नो ओ नो 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 बंद करो उसको ओके जहाँ जहाँ बस ये होगा मैं समझ जाऊँगा कि यहाँ पे मतलब बंद हो जाता है एरिया आई नीड आयरन गई आयरन मिल गया ओ पी जैसे पर गए अपन के बड़ा साथ दे दिया आज ना ओके कोल भी मिल गया बहुत सारे मिलते हैं ओके टू कोल्ड मिले हमें नॉट बैड ठीक है ये कबल अच्छा ओके और भी हो गए ऊपर आयरन मेरी नजर नहीं पड़ी ओके ऊपर तो गैस डर्ट है ओह हिड किस्मत चेस्ट किसम पर जब इनका बॉर्डर साथ दे रही है आइटम फ्रेम लीड और एक लोकेटर मैं क्या कम ओके आई थिंक ये मेरा आइलैंड दिखा रही है और जब हम और आगे जाएंगे तो ये और भी एरिया पर दिखाएगी हमें लेकिन अभी आप लोगों को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है अभी आप लोगों को जो चीज़ें चाहिए थी मिल गई और लोग क्या लग रहा है कि मैं ये चेस्ट छोड़ के दूंगा नहीं कैसे आप बहुत बड़े लुटेरे आदमी हैं यार गाइस फर्स्ट एपिसोड में गाइस डायमंड खोज लेके मेरे पास आयरन की पिकटिक्स नहीं है मैं नोबल वाले बिल्कुल भी हरकतें नहीं करने वाला मेरे पास नहीं है अभी आयरन की चीज़ें ओके मोर को वाल स्टोन देख ओके और डायमंड्स इधर भी होना चाहिए डायमंड नहीं इधर नहीं है खैर गई इस कोई टेंशन वाली बात नहीं है वैसे ओके एक और कोल मैं कोल का इस्तेमाल ही नहीं करूँगा ना मैं उसका इस्तेमाल करूँगा कोल का तो ओके वुड का इस्तेमाल करूँगा ना खैर वैसे ब्लॉक से भी जो है हम चार कोल बना सकते हैं सो यानी कोई मेडिकल को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं वो तो आयरन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर लिबरेड आयरन है और ये रह गाइस और भी ज़्यादा आयरन गाइस बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया एंड ये रह गाइस और कोल कोई पहाड़ नहीं मेरा इंतजार तो नहीं कर रहा एंड वी गो गैस लेने के लिए मुझे आना पड़ेगा बहुत मैं देख रहा हूँ उसके नीचे कुछ है या नहीं है ओके okay, है है सो अभी लस गो एंड नहीं गैस मैं हर जगह माइन करके देख लेता हूँ क्योंकि और उई, नहीं 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 गाइस गंदा हूँ मैं बता रूँगा इतना भी गंदा बचाऊँ गंदा ओके लस माइन मोर जब भी गैस में क्राउच किया ताकि मेरे हलत टाइट ना हो जाए गैस मेरी गुड nice, जॉब अभी तक तो मुझे कुछ भी नहीं मिला क्यों माइंड क्या मैंने वो अभियान वक्त दौरे पड़ रहा क्या अभियान को ओके okay, यहाँ पे मुझे और तो कुछ नहीं मिल रहा बाई लिविंग स्टोन्स डायमंड मिले मुझे जो कि मैं अभी बिल्कुल भी माइंड नहीं करने वाला हूँ ओके okay, और आयरन मिले ब्रो कितना आयरन हो चुके हैं मेरे पास ओके okay. आयरन के साथ हमें गई ओके और डायमंड गैन ओपी लक हैश टैग ओ हो जाएगा इस कमेंट्स में ओके मेरे पास नहीं आई थिंक ये वही डायमंड तो नहीं है डॉन्ट से दिस नहीं 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 वो डिफरेंट है नो 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 ये मत कहो ब्रो जो मैं सोच रहा हूँ ये मत नहीं होना चाहिए इस बीच की दीवार को तोड़ो यार पहले ओके फोर डायमंड है यहाँ पे और हो सकता है इस एरिया में मुझे और भी ज़्यादा चीज़ें मिले सो वाइन नॉट पर ही लेट्स माइन मोर एक भी गैस अपन स्टोन नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे ओके okay, एक स्टैग मेरा स्टोन का होने वाला है ओ नो गाइस नो आई एम नॉट गोना इट ओके ओके मोर आयरन ब्रो कोल भी मिलेगा इसके साथ देखा एस <laughs> ओपी माइंड एंड मेरी गाइस स्टोन की पिकअप खत्म होने वाली है मैं बस आठ आयरन आ चुकी हूँ नाइन कोल्स नॉट बैड इधर के क्या था मैंने माइंड एडिया छोड़ा हुआ है इधर तो यही ख़त्म हो गया छोड़ा हुआ क्या है एंड ऊपर तो नहीं है कुछ भी ओ ग्रेवल ओ भाई मुझे ग्रेवल की सख्त ज़रूरत है ओके हमें क्या इस दी में पूरे के पूरे सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ और नहीं ज़्यादा से ज़्यादा हमें फोर डायमंड मिलेंगे यहाँ पे और हो सकता है कि कहें हमें और डायमंड मिलने अगर हम ऐसे ही माइंड करें तो तीन चार और ये रह गए मुझे और आयरन मिल गए ओके ओके ये क्या मजाक है ना 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 आई नाई नाई ना आई ना आई पहले मुझे ऊपर जाके कर गए मुझे इस पानी के फ्लो को बंद करना पड़ेगा क्या कर दिया अभियान जल्दी चल ऊपर ओके हैप्पी ओके बीस तो गज में खाना खा रही ओके okay, इनका एक बेटा बेटी भी है बेटा है जो भी है ये है ओ वेरी वेरी क्यूट गाइस ओपी गाइस ये बहुत ही ओपी फैमिली है ब्रो अमर लाइन ओके लेट्स गो मेरे माइनिंग प्लेस में बैस मुझे लग रहा है ऐसा ना हो ये लोग नीचे गिर जाए ना इनको तोड़ना आता है ना तो ये क्यों गिरेंगे नीचे और इस ग्रेवल को वापस ले लेता हूँ क्योंकि ग्रेवल से हमें कहते हैं फिल्ड बना फिल्ड बनाना होगा और फ्रेंड से कहते हैं अपना पोर्टल लाइट अप कर पाएंगे अभी कहते हैं फॉरन जाके जाकर गई मैं आयरन माइन करके ले आता था लट्स को आयरन माइन करके यानी तिघला के ले आता था फ्रेंड्स तो है मेरे पास एंड नाइन आयरन एंड वन कोल ओके ओ पी लट्स गो अब जब तक गैजमें इंतज़ार करना पड़ता है उस चीज़ का गैस अपन माइनिंग कर लेते हैं और जब तक मैं सोचा था कि मुझे क्या बनाना होगा मैं सोच रहा हूँ एक डायमंड की पिकनिंग बना लूँगा मैं अपने लिए ठीक है और बाकी जो एक डायमंड बचेगा जाएगा उसको मैं सेव करके रख दूँगा और आयरन से मैं गई एक आयरन के स्वॉर्ड बना लूँगा और जितना मुझसे आर्मर बन पाएगा उतना मैं आर्मर बना लूँगा और एक मैं बकेट के लिए मैं और पसंद और मतलब मतलब बकेट तो है मेरे पास तो लेकिन हाँ मैं एक ही बकेट रखूँगा मैं अपने पास और बाकी तो बचेंगे मेरे पास आयरन एक उससे एक्स बना लूँगा और आर्मर बना लूँगा तो जितना बन पाएगा मुझसे ओके क्या तुम्हारी कैक्स अभी यहाँ पे हादसा हो जाता है ओके तीन आयरन डाल मुझे मिल चुके हैं अरे मुझे तो एक यार आयरन की फिर भी बनानी पड़ेगी जब भी तो मैं माइन कर पाऊँगा हालत टाइट हो गई यार गाइस एंड लेट्स गो टू दे डायमंडस ओ पी मैं देख के डायमंड लेने में क्या हमें अचीवमेंट मिलेगी अभी तो तक तो नहीं मिली आई थिंक जो चीज़ें उनको मुझे हाथ में लेना पड़ता है ना नहीं हो रहा ओ यहाँ पे एक और भी है मुझे लगा था इसके नीचे मुझे लग रहा है कि ब्लॉक जो है ख़त्म हो जाएंगे ओ पी हो गया ओ पी हो गया काम इधर मतलब हो सकता है कि कहीं और भी हों तो हम इधर इधर से थोड़ा सा और माइनिंग करके चेक कर लेते हैं क्योंकि डायमंड का भरोसा नहीं है कहीं पे भी निकल जाते हैं डायमंड नो 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 इस एरिया का भी मुझे बस ऐसा देखो तो लगता नहीं ये देखो एक और नया ब्लॉक आ गया ऐसा माइनक्राफ्ट न्यू ब्लॉक एंड वी गो मुझे सिर्फ यहाँ पे फाइव डायमंड्स मिले हैं और दिस एक्वायर हार्डवेयर यानी आयरन मिला मतलब बहुत ज़्यादा स्लो स्लो मिल रही है मुझे अचीवमेंट डायमंड्स की अचीवमेंट मिल गई ओके ओके हियर आर सिक्स आयरनस ठीक है और अब मैं सोच रहा हूँ कि गाइस मैं जो अपने आयरन से जो ना बाहर में डालो गई मैं बनाने जा रहा हूँ एक डायमंड की टिकेस एक डायमंड की स्वॉर्ड ओ पी हो गया ठीक है एक स्वॉर्ड आ गई एंड इज़ अ डायमंड डायमंड टिकेस स्पेशली बना रहा हूँ क्योंकि जिनको नहीं पता क्या नाम है हमें माइनिंग में जो है क्या कहते हैं यार उसको मैं भूल गया हूँ आई एम सॉरी लेकिन ये मुझे ये मुझे जो बात समझ नहीं आ रही वो ये है कि मुझे इन्होंने इतनी सारे क्या नाम है दी क्यों इतनी सारी चीज़ें शुक्र है इन्होंने दी हैं लेकिन छोड़ो भाई अपना क्या लेना देना बस मिल रहा है सामान रख लो ओके फ्लावर्स लग गए मेरे ओके ये दोनों का मेरा फ्लावर गायब कर दिया भाई जादू से नहीं नहीं भाई इसके पास से हटाओ पर यह ग्रोरी करेगी गंदी चेस्ट वो कह रहा है गंदी जो भी है भाई ये सब ये ओके हमें सामने वाले आयरन पे जाना है लेकिन अभी तो मैं नहीं जाने वाला हूँ मेरे डायमंड के स्वॉर्ड आ जाना स्टोन की स्वॉर्ड निकाल के रखी हुई है मैंने हाथ में और जितने मेरे पास आयरन मेरे हाथ में पड़े हुए हैं इनसे कहीं थे अपन एक एक्स बना के रख लेते हैं अभी कभी अपने पास बहुत चीज़ें भाई मज़े से इस्तेमाल करेंगे एंड हेयर वी गो फाइनली गाइज हमारे पास गए थे एसटोन एक एक की एक्स भी आ चुकी है स्टोन की क्या कह रहे हो यार भाई साहब ने और बाकी जो आयरन यार मैं देता तो हूँ संभाल लिया जबकि मुझे तो जो है यार एक वो बनाना था आर्मर का पीस जबकि मैं अच्छा खासा आर नो तो नहीं लेकिन आर्मर तो है ना बस छोड़ो ओके okay, दरख्त तो दिखा रहे हैं उग नहीं होगा दरख्त अच्छा जब भी तो नहीं होगा बाबू भैया किंग इसको उठा एक्स को इस टाइम चॉप 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 डाउन है ना और कहीं पे लॉग वॉक तो नहीं बची ना ओके वही तो मैं कहूँ ये मतलब तो टूट भी दे रहा भाई चलो यहाँ पे हमारी लगी हुई है और उगजेंगी हमारी और मैं सोचा कि कहीं इधर भी एक और सेप्लिंग लगा देते हैं के कहाँ गई हमारी सैपलिंग सैपलिंग ये दी हमारी सैपलिंग मेरे पास थी पहले ही आपने सैपलिंग मतलब मैंने ढक दिया गंदा ओके okay, एक हम इधर भी, भी उगा देते हैं और एक हम इधर भी उगा देते हैं क्योंकि अपना एरिया जो है ना मतलब बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह से बड़ा है तो हम सो अच्छी तरीके से जो है ना हमें इसको बड़ा करना है एंड वी गो सर जब अपना एरिया बना करेंगे डर्ट कहाँ से मिलेगी ब्रो सोचते वाली बात ना गाइस इस इन दोनों डर्ट को निकालना नहीं गाइस हमें कोई ज़रूरत नहीं है ना डायरेक्ट घुस जाएंगे माइंड में और इन दोनों को एक लगेगी यहाँ पे और एक लगेगी यहाँ पे ओके ओ पी वर्किंग गाइस जब तो सामने के आयरन ये दिखा नहीं रही है हमें सामने जाना पड़ेगा सो so, कितनी रिकॉर्डिंग हो गई अभी तो गैज उन्नीस मिनट की ही हुई है एंड क्या करेगा अगले एपिसोड में जाएंगे ना गैस जी अगले एपिसोड में जाएंगे तब तक गैज आपन क्या करते हैं आपन जो इन जो डेकोरेटेशन के लिए लगाई हुई है ना चीज़ें इन सब चीज़ों को निकाल कर जो है ना अपना हेलम को ज़रा दुरुस्त बनाते हैं ओके ये थैंक्स फॉर गिविंग मिस्टेक वॉट दिन लगाएंगे ताकि अगर हमारा नसीब ख़राब हो और हमें ना मिले क्या नाम है सैप्लिंग तो इट विल बी वर्थ इट अरे कहाँ गई ये निकालो यार पे क्या सप्ली और इन सब फ्लावर्स जो है हमारे बीज के फेवरेट हैं तो इसलिए हम जो इधर लगा देते हैं ताकि हमारे बीज जो है वो लुफानंदोज़ हो सके दो इधर ये वाले दो इधर ये वाले मेरे पास और भी फ्लावर्स पड़ेगा ये दे और भी ज़्यादा गैस फ्लावर्स रेड इधर ब्लू इधर ठीक है और ये वाला जो था इसको हम लगा देंगे इदर, ओपी। ओपी। और अभी तक ये झड़े क्यों नहीं भाई क्या हो गया इसको झड़ क्यों दी रही बी डस्ट की वजह से हो रहा है सब कुछ शायद गिर गया थोड़ा सा सामने आने का मेरा बड़ा दिल कर रहा है लेकिन इसको हमें कोस्ट डर्ड थोड़ा चाहिए क्या को मैंने कहा इसको वापस जो इधर नॉर्मल डेट पर कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मैंने इसको उतारा क्यों मतलब मैं भी हद से हद से ज़्यादा बेवक्रूफ हो गए एक दो तीन चार पाँच छः और देख भागे गए जब हो बार दिए वी गो नाइस और जो एक डेढ़ बची हुई है इसको अपन इधर लगा देते हैं और क्या आस्ते हमारे आई लंग देख लेते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खूबसूरत तो और बड़ा हो गया है और आज की वीडियो अगर मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पर एंड करते हैं ठीक है और हम जो मैं ऑफलाइन करूँगी अपने आइलैंड को, को एक्सटेंड करने के बहुत स्लैब जमा करके साथ की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा कोशिश थी आप यकीन रखिए अगले एपिसोड में हम जाके रहेंगे ठीक है बल्कि गैस आप मैं सोच रहा हूँ कि गैस अपन इसी एपिसोड में जाते हैं ठीक है अपन नेक्स्ट एपिसोड में जाती है गैस क्या करना है ठीक है पहले एपिसोड में गए काम होना चाहिए ना ज़्यादा से ज़्यादा ब्रो ओके गो गाइस वी आर वी हैवैप्स और मैं सिर्फ अगले एपिसोड के बना रहा हूँ अभी नहीं जाने वाले सब बता तो रहा हूँ मैं सो so, आज वीडियो में करना चाहता हूँ अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मिलेंगे नेक्स्ट फाड़ू और तबाही वीडियो तब तक के लिए बाय बाय